इसराइल के खिलाफ ईरान ने पूरे अरब देशों से एक साथ आने का आह्वान किया है। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्ला अली खुमैनी ने शुक्रवार को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद पहुंचे। यहां जुटे हजारों लोगों को उन्होंने जुम्मे की नमाज पढ़ाई। खुमैनी ने करीब 5 साल बाद इस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ाई और लोगों को संबोधित किया। खुमैनी ने संबोधन में सबसे ज्यादा जोर दुनिया के मुसलमानों की एकजुटता पर दिया। उन्होंने लेबनान और गाजा के लोगों से एकजुटता दर्शाने की अपील की और इसराइल पर जमकर निशाना साधा। ما پیشانی و بازوی طراحان مدب خمینی کا یہ سمبودھن ایسے سمے پر ہوا ہے جب ایران اور اسرائیل میں یدھ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ خمینی کے سمبودھن کی آپ کو ہم 5 بڑی باتیں بتاتے ہیں۔ अपने संबोधन में आयत उल्ला अली खुमैनी राइफल के साथ नजर आए। इस दौरान खुमैनी ने इसराइल पर ईरान की मिसाइल हमले को कानूनी और सही बताया और कहा कि कुछ रात पहले हमारे सशस्त्र बलों का ऑपरेशन पूरी तरह से वैध था। उन्होंने कहा कि इसराइल को हमारी सेना ने उचित जवाब दिया और आगे भी हम जवाब देने का हक रखते हैं। खुमैनी ने कहा कि हमास और हिजबुल्ला को इसराइल से लड़ने का कानूनी अधिकार है। हर एक इंसान को हमलावरों के खिलाफ अपनी भूमि, घर, देश और हितों की रक्षा करने का अधिकार है। लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास अपनी जमीन बचाने के लिए हमलावरों से लड़ रहे हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निकाय के पास उनकी भूमि और अधिकारों की रक्षा पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। मुसलमानों से एकजुट होने की अपील करते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा, हमें अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गाजा और लेबनान तक सभी इस्लामी देशों में रक्षा की कमर कसनी होगी। ये पहला मुद्दा है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था। मैं चाहता हूं कि दुनिया गरीब मुसलमानों के लिए आगे आए। अरब के देशों से भी मैं कहना चाहता हूं कि वो इस लड़ाई में लेबनान फिलिस्तीन का साथ दें। खुमैनी ने ये भी कहा कि इसराइल को अमेरिका और पश्चिमी देश समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो इस क्षेत्र की तेल संपदा और सभी संसाधनों को जब्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका और इसराइल हमें लूटना चाहते हैं, ऐसे में इनके खिलाफ किसी की भी लड़ाई सिर्फ क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी मानवता की सेवा की तरह है। खुमैनी ने आगे कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के बीच दरार पैदा की जा रही है। वो फिलिस्तीन, लेबनान, मिस्र, इराक सबके दुश्मन है। वो यमन और सीरिया के भी दुश्मन है। हम सबका दुश्मन एक है। ये दुश्मन चाहता है कि किसी भी सूरत में मुसलमान एक ना हो, मुसलमानों में फूट पड़ी रहे। दुश्मन को पहचानते हुए मुसलमान साथ आए। खुमैनी का ये भाषण ऐसे समय में सामने आया है जब इसराइल और ईरान युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। दोनों के बीच संघर्ष तेज होने की संभावना है। ऐसे में खुमैनी ने एक तरह से पूरे अरब देशों से एक साथ आने की अपील की है ताकि साथ मिलकर इसराइल को हराया जा सके। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। शुमा वा मिल्लत फिलिस्तीन चेक कर दी।